Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udaan. I'm Shaini Gupta and welcome to my lecture series. So आज हम start करेंगे what is observation matter. But इस lecture को start करने से पहले मैं दो चीज़ें discuss करना चाहती हूँ. Number one is कि I'm extremely sorry कि मेरे जो lectures हैं वो आप तक थोड़ा late पहुँच पा रहे हैं due to some technical reasons. And number two is कि students जो बोल रहे हैं कि मैम आप daily upload कीजिए अपने lectures. अगेन आई एम सॉरी कि मैं आपके जो लेक्चर्स है वो डेली बेसिस पे अपलोड नहीं कर पाऊँगी, बट ऑल्टरनेट डेज में मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड डेफिनेटली करूँगी. ओके एंड नंबर टू इज़ कि जो मेरा सिलेबस रहेगा मैं कोशिश करूँगी कि अप्रैल तक वो कंप्लीट हो ही जाए, और उसी में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए. कुछ मैं MCQs भी लेकर आऊँगी इसी से इन्हीं टाइम पीरियड के दौरान. ओके सो और आपका होपफुली जो एग्ज़ाम है वो जून में ही कंडक्ट होने वाला है. सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा कि आप तब तक प्रैक्टिस भी कर सकते हो. ओके सो प्लीज़ कोप अप विद मी. ओके नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मैथड, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड्स के अंदर. तो उसमें हमारा नेक्स्ट था व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मैथड. ओके सो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इसे, थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा था कि जहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे थे स्केड्यूल मेथड के बीच में और आपका मेल क्वेश्चनर मेथड में. तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या, बट इन अ ब्रीफ नोट. ओके बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये डिटेल में होता क्या है. जब मैं ऑब्जर्वेशन मेथड की बात कर रही हूँ तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है मेरी ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व, दैट मीन्स ऑब्जर्व से बन रहा है ये ऑब्जर्वेशन मैथड. अगर मैं ऑब्जर्व करने की बात करती हूँ दैट मीन्स मैंने आपको जितने भी मैथड्स अभी तक पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको बताया था एक आपका इन्वेस्टिगेटर है जो स्टडी कंडक्ट करता है, जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, और दूसरा है आपका रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, जो आपको आंसर्स देता है. अभी तक हमने जितने भी मैथड्स पढ़े हैं उसमें हम जस्ट देखते थे कि जितने भी रिस्पॉन्सेज है वो हमें रिस्पॉन्डेंट ही देता है. वो डायरेक्टली भी दे सकता है, इनडायरेक्टली. या फिर एक ऐसा मैथड था जिसमें रिस्पॉन्सेज जो है वो रिस्पॉन्डेंट ही देता है लेकिन उससे फिल कौन करता है, आपका इन्यूमरेटर. लेकिन इस मैथड में क्या होता है, जस्ट एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पॉन्डेंट के रिस्पॉन्सेज को नोट करता है. जो भी ऑब्जर्वर, दैट मीन्स जो ऑब्जर्व करता है इस मैथड में, वो कौन होगा, आपका ऑब्जर्वर होगा. अब क्या है, जो ऑब्जर्वर है वो रिस्पॉन्डेंट कह सकते हो आप या सब्जेक्ट कह सकते हो, उसको नोटिस करता है, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, उसके गेस्चर्स को नोट करेगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट कर सकता है, उसकी हैंड के मूवमेंट्स, जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, उसको वो नोट करके उसको रिकॉर्ड करता है, उसे ऑब्जर्व करता है. और जिस टेक्निक की हेल्प से हम ये सब रिकॉर्ड या नोट कर सकते हैं उस टेक्निक को हम, उस मैथड को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन मैथड. दैट मीन्स इस मैथड का ये प्लस पॉइंट है कि इस मैथड में रिस्पॉन्डेंट से मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो रिस्पॉन्डेंट है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी नहीं है इस मैथड में. ओके सो यहाँ पे क्या रहता है, आपका इन्वेस्टिगेटर ओन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दैट मीन इन्वेस्टिगेटर खुद ही अपने ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करता है बट विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट. यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि जो भी आपका रिस्पॉन्डेंट है उसे रिस्पॉन्डेंट कह सकते हो आप या फिर सब्जेक्ट्स कह सकते हो, बट उन्हें बताने की या उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है. उस मैथड को हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन मैथड. दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वो टेक्निक है जहाँ पे मैं सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर सकती हूँ, सिलेक्ट कर सकती हूँ, वॉच कर सकती हूँ, लिसन कर सकती हूँ, ओके रीड कर सकती हूँ या रिकॉर्ड कर सकती हूँ किसका, किसी भी रिस्पॉन्डेंट का बिहेवियर. दैट मीन्स दिस मैथड इज यूज टू स्टडी दी ह्यूमन बिहेवियर. दिस मैथड इज यूज टू स्टडी दी ह्यूमन बिहेवियर. इस मैथड की हेल्प से हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं. ओके अगर मैंने बोला ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, दैट मीन्स जो मैंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है वो बाय यूजिंग द वेरियस टेक्निक्स. व्हाट आर दे, मैं सिस्टमेटिकली वॉच कर सकती हूँ. ओके सिस्टमेटिकली वॉच कर सकती हूँ, लिसन, क्या कोई बोल रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, लिसन, देन रीड कर सकती हूँ और रिकॉर्ड कर सकती हूँ द बिहेवियर ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स. ओके इस मैथड की हेल्प से हम रिस्पॉन्डेंट का जितना भी बिहेवियर, मैं उसे वॉच भी कर सकती हूँ, देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ और रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग वेरियस मैकेनिकल डिवाइसेस. ओके दैट मीन्स ये जो मैथड है वो सुटेबल किन केसेज में होगा. ऑब्वियसली ये मैथड में मैंने बताया प्लस पॉइंट क्या रहता है आपका,
ये मेथड हम उन केसेस में भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपके जो रिस्पोंडेंट है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे नहीं चाहिए कि वो मुझे डायरेक्टली रिस्पोंड करे. ओके, जस्ट मैंने उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जस्ट मैंने दूर से बैठ के ही उसे ऑब्जर्व करना है. ठीक है, दैट मीन्स ये मैथड उन केसेज में सुटेबल हो सकता है जहाँ पे कुछ ऐसे सीनारियोज होते हैं जहाँ पे जो हमारा रिस्पोंडेंट है, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने जो फीलिंग्स है उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. तो वैसी कंडीशंस, वैसी सिचुएशन जहाँ पे कि रिस्पोंडेंट जो है अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, तो उन केसेस में भी ये मेथड जो है वो सुटेबल होगा. ओके, नंबर टू इज दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि जो रिस्पोंडेंट है मेरा वो वर्बल रिपोर्ट्स नहीं दे पाता फॉर वन रीजन और दी अदर, दैट मीन्स मुझे क्या ज़रूरत है, अब उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जानना ज़रूरी है, उन केसेस में इस मेथड को मैं यूज कर सकती. सो देयरफॉर व्हेन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, व्हेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ओके, केशन इज इम्पॉर्टेंट, ओके, इन केसेस में ये मेथड जो है वो सूटेबल है. अगर मैं इसको एग्जांपल लेकर बताऊं कि जैसे अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ या इस टाइम मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, अब जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, मेरे लेक्चर को सुन रही है, रिकॉर्ड कर रही है, तो आप सब भी क्या हो, मेरे लिए ऑब्जर्वर ही हो. आप भी मेरा सब, जितनी भी मेरी ऑडियंस इस टाइम मेरा लेक्चर देख रही होगी, उन सब के लिए मैं भी क्या हूँ, एक रिस्पोंडेंट हूँ जिसे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, मैं कुछ ना कुछ आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हो रहे हैं, मेरी हैंड्स की मूवमेंट्स कैसे जा रही हैं, ठीक है, मैं क्या लिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, आप सब मेरा रिकॉर्ड कर रहे हो मेरा बिहेवियर इस टाइम. ठीक है, तो ये भी क्या एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, ऑब्जर्वेशन मैथड का. अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ तो दैट इज वन वे मिरर और टू वे मिरर, अगर बाई यूजिंग एनी डिवाइस. ओके, ये जो आपका क्या है, वन वे मिरर कह सकते हो आप. वन वे मिरर कौन सा मिरर हुआ, एक ऐसा मिरर जिसमें क्या होता है, जिस साइड ज्यादा लाइट आती है, जैसे कि अगर एक मिरर है, ग्लास है, सपोज करो यही एक ग्लास है, इसके पीछे भी एक इंडिविजुअल खड़ा है और यहाँ पे मैं अगर सपोज करो खड़ी हूँ. ठीक है, अब क्या होगा, ये ग्लास है, इस ग्लास में क्या, अगर मैं बाहर से देख रही हूँ, जिस साइड जो है सनलाइट है, जिस साइड क्या होगी, सनलाइट होगी, अगर यहाँ पे ज़्यादा लाइट है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इस ग्लास में अपनी ही इमेज दिखेगी. ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ अपनी इमेज दिख रही है, लेकिन जो इसके बैक साइड होगा, इस ग्लास की जो अंदर वाली साइड होगा, उसे मैं देख सकती हूँ. ठीक है, दैट मीन्स उसको मैं दिख रही होगी, बट मुझे वो नहीं दिखेगा, बल्कि मुझे सिर्फ अपना इमेज ही दिखेगा. दैट मीन्स मुझे जो भी इमेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और मेरी ही इमेज मुझे रिफ्लेक्ट होगी, मैं अपनी इमेज इस वन वे मिरर की हेल्प से अपनी इमेज देख सकती हूँ, लेकिन जो इस ग्लास के अंदर होगा, दूसरी साइड होगा, उसे वो मुझे देख सकता है. ओके, लेकिन अब वो क्या होगा, अगर वो अंदर बैठा, सपोज करो मैं वन वे ग्लास के अंदर हूँ और बाहर जो भी इंडिविजुअल पास कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे कोई भी बातें कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई अपने बाल ठीक कर रहा है, कोई अपना ड्रेस ठीक कर रहा है, तो जो भी वो एक्टिविटीज़ हो रही है, किसी की बाहर अचानक से झगड़ा हो गया, तो मैं अंदर बैठी हूँ, मैंने अचानक से उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, उनके बिहेवियर को नोट करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, उन इंडिविजुअल्स को, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही हूँ. तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका ऑब्जर्वेशन मेथड का. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब क्या होता है, देखिए हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो तो क्लियर हो गया कि ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक जिसकी हेल्प से हम सिस्टमेटिकली वॉच कर सकते हैं, लिसन, रीड, रिकॉर्ड, ठीक है, जो मर्जी कर सकते हो, हम किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी रिस्पोंडेंट कह सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का बिहेवियर नोट कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मैथड. ओके, नाउ जो हमारी ऑब्जर्वेशन मैथड है ये भी कैटेगराइज इंटू डिफरेंट पार्ट्स. अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये भी फर्दर कैटेगराइज है डिफरेंट पार्ट्स में. हो सकता है वो कौन सी हो, स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. ओके, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, या फिर वो ऐसे हो सकते हैं कि पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है. ओके, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. देन द नेक्स्ट वन हो सकता है कि वो कंट्रोल्ड हो, कंट्रोल्ड कह सकते हो या फिर अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स यहाँ पे हम तीन तरह की इंफॉर्मेशन टाइप्स कह सकते हो, या फिर फॉर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, या फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हो आप. ओके, अब देखो जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे
दैट मीन्स यहाँ पे क्या हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ स्टडी, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ स्टडी, ओके। यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लान ऑफ स्टडी की बात करेंगे इस मेथड में, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, दैट मीन यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेशन कह सकते हो या अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेंट्स कह सकते हो, इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल और अनकंट्रोल की बात कर रही हूँ, दैट मीन मैं कोई कंडीशनल के बेसिस पे बात कर रही हूँ, दैट मीन यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस होगा, कंडीशंस के बेसिस पे। दैट मीन्स अगर हम प्लान ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, अगर हम पार्टिसिपेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं तो वो पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी। देन कम्स द कंट्रोल एंड अनकंट्रोल, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस होंगी, किन कंडीशंस में वो ऑब्जर्वेशंस नोट की जा रही है, ओके। नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। Now the question arises, what is structured observation? Again, वो observation जो कि structured हो, structured से मेरा मतलब है जिससे मैंने पहले से ही plan किया हुआ है कि मैं क्या record करूँगी, कहाँ पर record करने जा रही हूँ, किन units को record करना है मैंने, अपनी accuracy कैसे check करनी है, कैसे मैंने data collection करना है, that means जहाँ पर मैं पहले से ही एक अपना schedule बना के चलूँगी, predefined, डिटरमाइंड मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, मेरा स्केड्यूल होगा कि मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, किन यूनिट्स को रिकॉर्ड करना है, किन ऑब्जर्वेशंस को लेना है, मैंने कहाँ पर लेना है, ओके। जो भी अगर मैंने डेटा कलेक्शन की है तो उनकी एक्यूरेसी को मुझे कैसे चेक करना है, दैट मीन्स मैं अपना एक थॉट प्रोसेस जो लेकर चल रही हूँ वो क्लियर है, मैंने पहले से ही अपना थॉट प्रोसेस बनाया कि मुझे रिकॉर्ड करना क्या है। तो वो जो ऑब्जर्वेशन जिन्हें मैंने पहले से ही एडवांस में मैंने प्लान करा हुआ है कि मैंने कैसे क्या सब करना है, कैसे मैं ऑब्जर्वेशंस को लूंगी, वो जो ऑब्जर्वेशन होगी दैट विल बी माय स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट मीन इट इज प्लान्ड इन एडवांस, ओके। यहाँ पे मेरे पहले से ही मैं कंडक्ट करूंगी यूजिंग द स्पेसिफिक वेरिएबल और अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्केड्यूल, दैट मीन यहाँ पे जितनी भी ऑब्जर्वेशंस मेरी कलेक्ट हो रही है उसका मैंने पहले से ही एक स्केड्यूल बनाया हुआ है कि मैंने कब क्या कैसे करना है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे पहले से ही क्लियर है कि मैं क्या ऑब्जर्वेशंस ले रही हूँ, क्या मुझे रिकॉर्ड करना है, क्या मुझे ऑब्जर्व करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, वेयर, ओके, और क्या क्या लेना है मुझे, विच ऑब्जर्वेशंस टू बी रिकॉर्डेड, ओके, कैसे मुझे एक्यूरेसी चेक करनी है। दैट मीन्स जहाँ पे मैं ये सारे क्वेश्चंस का पहले से ही मुझे क्लियर है माइंड में, एक थॉट प्रोसेस मेरा टोटली क्लियर है, तो वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो वो ऑब्जर्वेशंस की जाएगी वो कौन सी होगी, दैट विल बी माई स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ओके, जहाँ पे मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, मुझे किसी ग्रॉसरी स्टोर का पता करना है कि वहाँ पे कितना जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कह सकते हो आप या कंज्यूमर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी पेंट्री आइटम्स हैं वहाँ का मुझे रिकॉर्ड चेक करना है। आप हो सकता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर हो वो उसका पहले से ही होगा कि मुझे कौन से एरिया के स्टोर्स को मुझे लेना है, कहाँ पे लेना है, कितने स्टोर्स का डेटा मुझे कलेक्ट करना है, किस टाइम पे करना है, ठीक है, कितने कंज्यूमर्स का मैं डेटा कलेक्ट करूँगा, तो वो अगर सिस्टमेटिकली वहाँ जाएगा, जैसे उसके सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी उसको प्लान करे हुए उसने कि मुझे कहाँ कब कैसे रिकॉर्ड करना है, ओके। अब अगर वो इन्वेस्टिगेटर जाएगा किसी भी पर्टिकुलर स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में, वहाँ की वो डिटेल कस्टमर के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से वो ले सकता है, वहाँ से उसे पता चल जाएगा कि जो भी स्टोर है इनका रिकॉर्ड इनका कैसा है, कि किन किन तरह के ब्रांड्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है, तो वो सिस्टमेटिकली सारा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड, तो ये जो एक पहले से उसे डिफाइंड था, उसका ऑलरेडी उसने एक प्री डिफाइंड स्केड्यूल बनाया हुआ था कि मुझे कौन से स्टोर्स को लेना है, कहाँ पर लेना है, किस टाइम पर लेना है, कैसे मुझे एक्यूरेसी चेक करनी है, मैं या तो ऑब्जर्व करूँगी अपने कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को, या फिर मैं उनके बिल्स वहाँ से निकलवा सकती हूँ, वहाँ से चेक कर सकती हूँ, जो कि थोड़ा अनएथिकल हो जाएगा, लेकिन मैं वहाँ पे ऑब्जर्व करके भी देख सकती हूँ कि जो कस्टमर्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्या है, उनकी डिमांड ज़्यादा किन प्रोडक्ट्स के लिए है, किस प्रोडक्ट में किस चार्ज में किस रेट ऑफ मनी में वो कितना चार्ज कर रहे हैं और किन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा वो बाय कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स को वो ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो ये जो एक सिस्टमेटिक स्टडी मैं बता रही हूँ ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी आपकी स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन की, ओके। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है, नाउ व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन।
ऑब्वियसली यू विल से कि अब मैम जो स्ट्रक्चर्ड वो ऑब्जर्वेशन जिसे मैंने पहले से प्लान नहीं करा था, दैट मीन ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसे मैंने पहले से ही प्लान नहीं करा हुआ था, जो बाय चांस हो गई. दैट मीन्स वो वेरिएबल्स, वो ऑब्जर्वेशन जो बाय चांस कह सकते हो या ऑल ऑफ अ सडन हो गई, ऑल ऑफ अ सडन हो गई. मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ. मैं एक रूम में बैठी हूँ, मैंने देख लिया मेरे सामने कोई बच्चे बैठे हैं और वो टॉयज के साथ खेल रहे हैं. तो वो मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ ऑब्जर्व करूँगी, लेकिन वो बाय चांस हो गया तो मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया. दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास कोई भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं मैंने डिफाइन किए थे. ओके, वो ऑल ऑफ अ सडन बाय चांस वो हो गया. ठीक है, अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, पीछे कोई शोर कर रहा है, कोई हंस रहा है, अगेन वो बाय चांस हो गया. मैं नहीं चाहती थी कि आज मैं आऊँगी ट्यूशन में और मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड करूँगी, बट वो बाय चांस हो गया और मुझे नोटिस करना पड़ा, मुझे वो रिकॉर्ड करना पड़ा. तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, अगेन आपका अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन. ओके, सॉरी, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. क्लियर? आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर में, जस्ट आप अकॉर्डिंग टू प्लान डिस्कस करोगे. ओके, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब क्या जो मैंने बात कर रही हूँ, अगर पार्टिसिपेंट की, तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज योर पार्टिसिपेंट. ठीक है, अब पार्टिसिपेंट से मेरा मतलब है कि अगर सपोज करो एक ग्रुप है मेंबर्स का, ठीक है, उन्हें मुझे ऑब्जर्व करना है वन थिंग. अब हो सकता है कि मैं हूँ, मैं उन्हीं के बीच जाके उन्हीं का एक मेंबर बन जाऊँ. ओके, दैट मीन्स अगर मैं कोई भी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करना चाहती हूँ, कोई ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, और जिस भी ग्रुप की रिकॉर्ड करनी है, अगर मैं उसी ग्रुप का मेंबर बन के वो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो ऑब्जर्वेशंस कौन सी हो जाएगी, आपकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी. क्लियर? लेकिन अगर मैं उस ग्रुप का मेंबर बन के नहीं करती, दैट मीन्स आई एम नॉट द पार्टिसिपेंट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर ग्रुप, देन द ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वर जो कि पार्टिसिपेंट नहीं है, स्टिल वो ऑब्जर्व कर रहा है कि दूसरे कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएगी, आपकी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे अब मुझे उस ग्रुप का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं दूर से ही देखूंगी कि बच्चे कैसे, कौन, जो भी मुझे डेटा सेट लेना है मैं उसे दूर से ही ऑब्जर्व करूंगी, बल्कि मैं उसका जो मेंबर है उस ग्रुप का मेंबर बनके नहीं रिकॉर्ड करूंगी. अगर मैं उस ग्रुप का मेंबर बनके रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. अगर मैं उस ग्रुप का मेंबर नहीं बनती हूँ और दूर से ही रिकॉर्ड करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि लोग जो है कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन कौन सा हो जाएगा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. अगर मैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ, तो वो कौन सी ऑब्जर्वेशन होंगी. ओके, अगर हम कंट्रोल की बात करें, दैट मीन्स वो ऑब्जर्वेशन जो कि अंडर कंट्रोल कंडीशन होंगी. दैट मीन्स वो ऑब्जर्वेशन जो कि अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन होंगी. ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन कौन सी होंगी, आपकी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स जितने भी आपके लेबॉरटरी एक्सपेरिमेंट्स आप कह सकते हो, वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है, आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का. दैट मीन वो ऑब्जर्वेशन जो टेक प्लेस करती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट प्री अरेंज प्लान्स भी आप कह सकते हो, एंड इन्वॉल्विंग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स. ओके, दैट मीन्स जितने भी आपके जो लैब एक्सपेरिमेंट्स है, दे विल ऑल कम अंडर योर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. ओके, दैट मीन्स लैब एक्सपेरिमेंट्स भी आप कह सकते हो. ओके, दैट मीन्स अभी जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस है, एक तो इसे आप लैब एक्सपेरिमेंट में अंडर कंट्रोल कंडीशंस भी कर सकते हो, और इन ऑब्जर्वेशंस को आप ऑब्जर्व कह सकते हो या कलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द मैकेनिकल डिवाइसेस ऑल्सो. ठीक है, दैट मीन्स आप मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज करके भी इन्हें कलेक्ट कर सकते हो. जैसे कि आप एग्जाम्पल दो तो सीसीटीवी कह सकते हो, क्लोज सर्किट टीवी, टेलीविजन. ओके, सो सीसीटीवी की हेल्प से भी आप जो है वो डेटा कलेक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग द दिस कंट्रोल. अगर वो ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस होंगी, तो वो ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी मानी जाएगी, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. नाउ द नेक्स्ट कम्स इज अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी होंगी. अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वो ही, अगर मैंने बोला कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि वो आर्टिफिशियल सेटिंग में होने वाली है. दैट मीन्स ये किस में होगी, आर्टिफिशियल सेटिंग में, आपने वो खुद से क्रिएट की है.
जैसे कि क्लास का एक एनवायरनमेंट है तो वो भी एक आर्टिफिशियल सेटिंग में ही हो रहा, आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बिहेव नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लास से बाहर निकले आप जैसे आपका मन चाहे आप वैसे ही बिहेव कर सकते हो। घर में होते हो तो घर में भी आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल सेटिंग में ही बिहेव करते हो। तो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वही ऑब्जर्वेशन है जो कि नेचुरल सेटिंग में की जाती है, जो कि नेचुरल सेटिंग में की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। ओके, नेचुरल सेटिंग से मेरा मतलब है ये जो ऑब्जर्वेशन है यूजुअली किसमें है, नेचुरल सेटिंग में। दैट मीन्स दिस इज यूज्ड टू स्टडी दी एनिमल बिहेवियर, यूज्ड टू स्टडी दी एनिमल बिहेवियर। तो वो ऑब्जर्वेशन जो टेक प्लेस करती है इन द नेचुरल सेटिंग, उन ऑब्जर्वेशन को हम कौन सी ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अगर मैं एग्जाम्पल देके बताऊँ, जैसे कि मुझे वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हो, जैसे भी मुझे किन्हीं भी एनिमल्स का बिहेवियर रिकॉर्ड करना है मैं दूर से ही बैठ कर, मुझे मंकीज का करना है मैं दूर से ही बैठ के देखूंगी कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे जंप कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो मैं उनका दूर से ही बैठ के उनका एक नोट्स बना रही हूँ, उनको लिख रही हूँ, जॉट डाउन कर रही हूँ पॉइंट्स जो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वहाँ से जो भी मैं ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रही हूँ, इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन होगी जहाँ पे जो भी आपके रिस्पोंडेंट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में बिहेव कर रहे हैं, वो नेचुरल सेटिंग में बिहेव कर रहे हैं, वो जैसे है वो वैसे ही दिखा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आपका, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। लेकिन जहाँ पे आप आर्टिफिशियल सेटिंग में, आप अपना आर्टिफिशियल सेटिंग में क्या होगा, आप अपना ट्रू नेचर निकाल बाहर नहीं निकाल पाओगे, आप आर्टिफिशियल सेटिंग में ही बिहेव करोगे, वहाँ पे आपका जो ट्रू ओरिजिनल नेचर है वो बाहर निकल के नहीं आएगा, बल्कि वो जो आप नेचुरल एनवायरनमेंट में एज यू आर जैसे ही आप हो वैसे ही आप बिहेव कर रहे हो। वो ऑब्जर्वेशंस अगर मैं कलेक्ट करती हूँ तो वो ऑब्जर्वेशंस कौन सी होगी, दैट विल बी माय अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर। देयर इज वन मोर टर्म, दैट इज डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। ये भी कभी कभार जो है वो पूछा जाता है कि डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं। ओके, देयर इज वन मोर टर्म, दैट इज डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। अब डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन कौन से, डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है जहां पर जो ऑब्जर्वर है उसकी प्रेजेंस जो रहती है वो अननोन रहती है, ठीक है। व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर इज अननोन, व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर इज अननोन, इज नॉट नोन, ओके। When the presence of the observer is not known to the respondent, यहां से मेरा मतलब है कि अगर suppose करो मैं एक X company से belong करती हूँ, ठीक है। अगर मैं कहाँ से belong करती हूँ इसको हम example लेके बताते हैं। अगर मैं किसी X company या X showroom से belong करती हूँ, किसी clothing showroom से belong करती हूँ, okay? तो मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, Y showroom में क्या हो रहा है, जो भी clothing का ही showroom है, मुझे देखना है कि जो वाई शोरूम है उसमें किस तरह के ब्रांड्स यूज़ किए जाते हैं, कस्टमर्स का वहाँ पे कैसा बिहेवियर है, कस्टमर्स वहाँ पे किस तरह की प्रेफरेंसेस मांगते हैं, ठीक है, किन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड रहती है, कितने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल आउट हो रहे हैं। दैट मीन वहाँ का इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ की एक एम्प्लॉई हूँ या आप सेल्स वुमेन कह सकते हो, वुमेन, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बट मैं यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी शो करके नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड करके जाऊंगी। दैट मीन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, हाइड करना, ओके। दैट मीन्स अंडर कवर कह सकते हो, आप अंडर कवर कह सकते हो, मैंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके वहां पे जा रही हूँ और मेरी प्रेजेंस का किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो मैं वहां पे चली गई, वहां का जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने देखा दूर से ऑब्जर्व करके, मैं भी एक वहां पे कस्टमर बन के ही जा रही हूँ, ठीक है। मैंने अपनी आइडेंटिटी वहां पे हाइड की हुई है, वहीं का कस्टमर बनके मैं वहाँ का इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रही हूँ कि वहाँ पे किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, कितने वहाँ पे डेली बेसिस पे उनका जो स्टॉक आउट हो रहा है, ठीक है, कस्टमर्स की ज़्यादा प्रेफरेंसेस कैसी है, किस प्राइस पे वो कौन से कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन मैथड मैंने कलेक्ट किया और अपनी कंपनी को मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, आपके डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया दैट इज योर मिस्ट्री शॉपिंग, ओके, मिस्ट्री शॉपिंग, ओके, एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ओके। मिस्ट्री शॉपिंग किसका एग्जाम्पल है, आपका डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन का, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑल अबाउट योर
forms of observation. You can have a screenshot. Okay, so next comes the merits of observation method. अब मैरिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसकी सुटेबिलिटी कहाँ है, जहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जानना ज़रूरी होता है या फिर हमारे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन करने में नहीं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते. ओके, फिर फॉर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ा. अगर वो अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ स्टडी होता है तो वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है. अगर वो कंडीशनल बेसिस पे हुआ तो वो कंट्रोल कंडीशंस में हुआ तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अगर वो नेचुरल सेटिंग में हुआ तो अनकंट्रोल. अगर ग्रुप का मेंबर बन के ही हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट बन के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. अगर मैं ग्रुप का मेंबर नहीं और ऐसे ही ऑब्जर्व कर रही हूँ जो भी मुझे ऑब्जर्वेशन करनी है तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएगी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. हम डिटेल में अब सभी का नहीं जाएंगे, हम ऑब्जर्वेशन मेथड का ही पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. ओके, ऑब्जर्वेशन मेथड. ओके, अब मैं ऑब्जर्वेशन मेथड की अगर हम बात करें, आपने नोटिस किया होगा कि मैं अभी आप जैसे बिहेव कर रहे हो मैं वैसे आपको ऑब्जर्व कर सकती हूँ. ठीक है, अगर जो भी मेरे रिस्पोंडेंट जैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे ही हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो दैट मीन्स उस वो जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूँगी वो इन्फॉर्मेशन कौन सा होगा, मेरा करंट इन्फॉर्मेशन होगा. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी मैथड आई कैन कलेक्ट दी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन. जितना भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है वो मैं ईजिली कलेक्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी मैथड. मुझे करंट इन्फॉर्मेशन ईजिली कलेक्ट कर सकती हूँ बाई यूजिंग दिस वेरी मैथड. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे जो इस मेथड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट का विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड मुझे नहीं चाहिए. मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो. मैं जस्ट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन ही अपने जो भी मेरी क्वेरीज होंगी मैं उनके आंसर्स जो है वो इजीली कलेक्ट कर सकती हूँ. बट यहाँ पे मुझे जो अपना आंसर्स है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप मेरे को रिस्पॉन्ड करो, या आपका विलिंगनेस की ज़रूरत मुझे नहीं है. ठीक है, अगर मैं किसी आउटसाइडर को बोलती हूँ कि आप मुझे अपना एड्रेस बताओ या आप अपना मुझे नाम बताओ, वो अपनी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं बताएगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करूँ उसे कि वो कैसे फॉलो उसको करना स्टार्ट कर दूँ तब मैं उसका जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ टू सम एक्सटेंट. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे विलिंगनेस ऑफ रिस्पॉन्डेंट की ज़रूरत नहीं है. ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है, जो कि आपने देखे जितने भी मैथड्स आपने पढ़े, इंटरव्यू मैथड आप कह सकते हो, क्वेश्चनर मैथड कह सकते हो, इन्यूमिनेटर मैथड कह सकते हो, उन सभी मैथड्स में क्या था कि रिस्पॉन्डेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन मैथड. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्टिव बायस इज एलिमिनेटेड इन दिस वेरी मैथड. हाउ इज इट सो? देखिए, जितने भी हमने पीछे मैथड्स पढ़े उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक था कि पर्सनल बायसनेस हर कहीं आ जाता है. इंटरव्यू मैथड में भी अगर रिस्पॉन्डेंट ही बायस्ड हुआ या इंटरव्यूअर बायस्ड हुआ तो अगेन वहाँ पे भी बायसनेस आ जाता है. देन अगर हम इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की करें अगेन वहाँ पे भी बायसनेस आ जाती है कि हो सकता है जो रिस्पॉन्डेंट जो विटनेस था हो सकता है वही रिस्पॉन्डेंट को जानता हो जो मेन जिस इंडिविजुअल का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए. अगर वो उसका क्लोज फ्रेंड हुआ अगेन वो मुझे अच्छे पॉइंट्स ही बताएगा, वो उसके सीक्रेट्स फिर भी मुझे शेयर नहीं करेगा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर, वहाँ पे भी वो बायसनेस आ सकती है. ठीक है, लेकिन जो बायसनेस है वो इस मेथड में नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिस्पोंडेंट को अपना रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत ही नहीं, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही मुझे नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव बायसनेस जो है वो एलिमिनेट हो जाती है. तो ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इसका कह सकते हो कि आप मैरिट है या एडवांटेज है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा क्या मतलब होगा? फ्लेक्सिबिलिटी से दैट मीन्स फ्लेक्सिबल होना. दैट मीन्स इस मेथड में क्या है, मैं अपने अकॉर्डिंगली जब भी चाहूँ जैसी अप्रोच लगाना चाहूँ वही अप्रोच यूज़ कर सकती हूँ. ठीक है, मुझे करना अगर मुझे स्ट्रक्चर वे में चाहिए मैं स्ट्रक्चर वे में कर सकती हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड कर सकती हूँ, ओके, अंडर कंट्रोल कंडीशन कर सकती हूँ. अगर मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो उसमें जैसा मर्जी जिस टाइम पर मुझे अपनी अप्रोच चेंज करनी है मैं वो भी कर सकती हूँ. अगर दो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है मैं चार भी कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं ऊपर नीचे जो भी जैसे चेंजेस करना चाहूँ अपनी ऑब्जर्वेशन मैथड में वो मैं ईजिली कर सकती हूँ इस मैथड में. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द अनदर एडवांटेज ऑफ योर ऑब्जर्वेशन मैथड. सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मैथड. नाउ कम्स द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस. ओके, अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो क्या ये मैथड एक्सपेंसिव हो सकता है?
तो देखिए, ये मैथड जो है एक्सपेंसिव इन टर्म्स में भी हो सकता है कि अगर मैंने कोई मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ किए हैं, मैंने कोई सीसीटीवी कैमरास यूज़ किए हैं, ओके, मैं कोई भी मैकेनिकल डिवाइस यूज़ कर रही हूँ, तो उस केस में भी ये मैथड डेफिनेटली एक्सपेंसिव होने वाला है। अगर मैं कहीं होटल्स में स्टे करती हूँ, ओके, स्टेइंग अगर मैं होटल करती हूँ, कोई भी खाना पीना जो भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो भी मेरे उसके अकॉर्डिंगली भी ये मेथड एक्सपेंसिव ही होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक ही जगह पे बैठ के भी अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, कोई खाने पीने का भी मेरा एक्सपेंसेस नहीं है, कोई होटल्स में स्टे करने का भी एक्सपेंसेस नहीं है, कोई मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ करने का भी एक्सपेंसेस नहीं है, स्टिल दिस मैथड इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम फिर कैसे एक्सपेंसिव हो सकता है? देखिए, अगर मैं बैठ के किन्हीं भी इंडिविजुअल्स को उनकी ऑब्जर्वेशंस कर रही हूँ, कोई रिकॉर्ड कर रही हूँ उनके बिहेवियर को, तो उस केस में भी ये मेथड इस वजह से एक्सपेंसिव होगा कि मैं अपना टाइम उस अनप्रोडक्टिव काम पे वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं कर तो रही हूँ बट स्टिल आई एम डूइंग नथिंग। ठीक है, तो वो जो मेरा अनप्रोडक्टिव टाइम था, दैट इज एन इंक्रीज्ड कॉस्ट। दैट मीन्स जो मेरा अनप्रोडक्टिव टाइम था, दैट इज ऑल्सो एन इंक्रीज कॉस्ट। अनप्रोडक्टिव टाइम इज अगेन एन इज एन इंक्रीज्ड कॉस्ट। इसने भी मेरी कॉस्ट जो है वो बढ़ा दी। सो क्यों? क्योंकि आपको पता है जो टाइम इज मनी। तो अगर मैंने अनप्रोडक्टिव टाइम कुछ अपना काम अनप्रोडक्टिव वर्क में अपना यूटिलाइज किया, वहाँ पे भी मेरी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज आई एम डूइंग नथिंग, स्टिल आई एम डूइंग समथिंग। बट अगर मैं प्रोडक्टिव वाइज देखूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपना जस्ट टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो वो उस केसेस के हिसाब से भी ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ करके भी होगा, अदरवाइज भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैंने अनप्रोडक्टिव वर्क में अनप्रोडक्टिव टाइम मेरा जो था उस केस में भी ये मेथड जो है वो एक्सपेंसिव माना जाएगा। नेक्स्ट इज कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही हम कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाई इज दिस सो? हम बता सकते हैं कि मेरा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वेरी मेथड। तो रियल टाइम मींस मैं सिर्फ करंट इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर पा रही हूँ। इस मेथड की हेल्प से करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इजीली कलेक्ट कर सकती हूँ, करंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन सिर्फ करंट ही। करंट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड ओनली। दैट मीन्स अगर मुझे कोई भी पास्ट एक्सपीरियंसेस जानने या फ्यूचर एट्रीब्यूट्स को जानना है, तो उन केसेस में भी ये मेथड जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। ओके, पास्ट एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर को भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। ओनली रियल टाइम जो ऑब्जर्वेशंस है मैं सिर्फ उन्हीं को ऑब्जर्व कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस या जो फ्यूचर एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकती। ओके, देन द नेक्स्ट टर्म इज अनफोर्सिन फैक्टर्स में ऑल्सो इंटरफेयर। ओके, जो मेरे अनफोर्सिन फैक्टर्स है, इससे क्या है कि कई बार क्या होता है, अगर मैं किन्हीं भी इंडिविजुअल्स का अगर मैं बिहेवियर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उन केसेस में क्या रहता है कि कई बार मुझे वैसी चीज़ें भी देखनी है अननेसेसरी जो मैं नहीं देखना चाहती थी, जो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंगली नहीं थी, तो बट अब मुझे पता है कि मुझे उन इंडिविजुअल्स को रिकॉर्ड करना है, उनके बिहेवियर को नोट डाउन करना है, तो मुझे वैसे बिहेवियर जो वो अननेसेसरीली शो कर रहे हैं मुझे उन्हें भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बाल ठीक कर रहा है, कुछ ऐसे वैसे वियर्ड एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो मुझे उन्हें भी रिकॉर्ड करना है जो कि मेरे प्लान में नहीं था। ठीक है, तो उन केसेस में भी मेरा ये जो मेथड है वो थोड़ा सा इसका डीमेरिट हो जाएगा कि अनफोर्सिन फैक्टर्स में ऑल्सो इंटरफेयर विद द ऑब्जर्वेशनल टास्क। जो भी मुझे टास्क मिला गया है उसमें ऐसे फैक्टर्स को भी मुझे देखना पड़ जाएगा, और उस केस में भी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा एंड अगेन एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, क्योंकि मैं उस काम में अपना टाइम डिवोट कर रही हूँ जहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, सो इन दैट केस ऑल्सो दिस मेथड इज गोइंग टू बी वेरी मच एक्सपेंसिव। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब लैक ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी क्या होगी? मैंने बोला आपको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, और जो भी आप अपना बिहेवियर शो कर रहे हो उसे ही मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया फॉर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर वो कंट्रोल कंडीशंस में है तो कंट्रोल कंडीशंस के अंडर जो ऑब्जर्वेशन होती हैं दैट इज इन द आर्टिफिशियल सेटिंग। ओके, आर्टिफिशियल सेटिंग में अगर आपको पता है ऑब्जर्वेशन की जा रही है, दैट मीन जो रिस्पॉन्डेंट है वो भी अवेयर है, और जो ऑब्जर्वर है वो तो ऑब्जर्व कर ही रहा है, तो क्या रिस्पॉन्डेंट उन केसेस में नेचुरली बिहेव करेगा? यू विल से ऑब्वियसली मैम नो, वहाँ पे वो जो रिस्पॉन्डेंट है वो नेचुरल सेटिंग में बिहेव नहीं करेगा, बल्कि वो आर्टिफिशियलिटी शो करेगा। ठीक है, वो अपना जो नेचुरल जो हिडन बिहेवियर है वो शो नहीं करेगा उन केसेस में। तो अगर ऐसे केसेस जो है
कई बार क्या होता है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, अब हो सकता है एक ऐसा टाइम आए कि जो मेरा रिस्पोंडेंट है उसे पता चल जाए कि जो ऑब्जर्वर है वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है कि somebody is following her और him, या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई उसे स्टे कर रहा है, ठीक है। अब मैं किसी के लिए किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं उसके कोई पॉइंट्स बना रही हूँ, ठीक है, या उसका बिहेवियर उसे स्टे करी जा रही हूँ कि वो किस टाइम पे कैसे बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, उसके बॉडी गेस्चर्स को नोट कर रही हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके फेशियल एक्सप्रेशन। तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो अवेयर हो जाए कि कोई पर्सन तो ऐसा है जो उसे नोट कर रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो उन केसेस में जो वो पर्सन है वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा, वो थोड़ा अवेयर हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है वो अपना ट्रू नेचर, अपना जो ओरिजिनल नेचर है वो शो नहीं करेगा। तो इन दैट सेंस ऑल्सो ये जो मैथड है इस केस में एक्यूरेसी आपकी नहीं होने वाली, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ रियलिटी शोज है वो भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आपका कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का, वहाँ पे भी आपको पता है काफ़ी सारे कैमराज रहते हैं, उनके अंडर सुपरविजन ही आपको रिकॉर्ड, आपको जो अपना बिहेवियर होता है वो शो करना रहता है। और प्लस ये भी आपको पहले से ही एक सेट ऑफ प्लान्स होते हैं, आपको पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनके अंडर रह के ही आपको परफॉर्म करना होता है। तो वहाँ पे भी अगेन आपका जो ट्रू नेचर है वो बाहर निकल के नहीं आता है। तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया वो, और अगर वो वैसी ऑब्जर्वेशन हुई, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हुई, तो उन केसेस में क्या एक्यूरेसी आने के चांसेस है? You will say, ma'am, no, it is not possible in that very sense, okay? So these are the various demerits of observation method, okay? In next lecture, we will discuss the primary data collection remaining methods, उन्हें मैं लेके आऊँगा।